क्लास सेवेंथ हिंदी लेसन थ्री, जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। कल मैं इस लेसन का आपको अति लघुतीय प्रश्नोत्तर और लघुतरीय प्रश्नोत्तर लिखवाई थी, तो चलिए आज मैं आपको इसी लेसन का दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर लिखवाती हूँ। तो देखिए, दीर्घोत्तरीय प्रश्न का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घटनाएं लेखक के बालमन को बहुत रोमांचित करती थी? तो आपका आंसर होगा, स्वामी दयानंद की जीवनी में रोमांचक घटनाएं थी, जैसे चूहे को भगवान का मीठा खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिमशिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है। जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य हैं, रूढ़ियां हैं, उनका खंडन करना और अंत में अपने हत्यारे को क्षमा कर उसे सहारा देना, यह सब लेखक के बालमन को बहुत रोमांचित करती थी। तो एक बार फिर से देख लीजिए, आपका क्वेश्चन था, कौन सी घटनाएं लेखक के बालमन को बहुत रोमांचित करती थी? तो आपका आंसर होगा, स्वामी दयानंद की जीवनी में रोमांचक घटनाएं थी, जैसे चूहे को भगवान का मीठा खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिमशिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है। जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य हैं, रूढ़ियां हैं, उनका खंडन करना और अंत में अपने हत्यारे को क्षमा कर उसे सहारा देना, यह सब लेखक के बालमन को बहुत रोमांचित करती थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई क्यों? तो आपका आंसर होगा, लेखक की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई क्योंकि उनके पिता यह नहीं चाहते थे कि वे नासमझ उम्र में गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखें या बुरे संस्कार ग्रहण करें। एक बार फिर से देखिए, आपका क्वेश्चन था, लेखक की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई क्यों? तो आपका आंसर होगा, लेखक की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई क्योंकि उनके पिता यह नहीं चाहते थे कि वे नासमझ उम्र में गलत संगत में पढ़कर गाली गलौज सीखें या बुरे संस्कार ग्रहण करें। आपका लास्ट क्वेश्चन है, पुस्तकों के संदर्भ में लेखक की मना स्थिति का वर्णन कीजिए। तो आपका आंसर होगा, लेखक ने पुस्तकों के प्रति अपनी लगन और चाह का वर्णन किया है और बताया है कि पुस्तकों से ही मनुष्य की ज्ञान पिपासा शांत होती है। वे कहते हैं कि बचपन से ही मुझे पत्रिकाएं पढ़ने का शौक था, खाना खाते समय भी मैं पत्रिकाएं पढ़ता था, मैं अपनी दोनों पत्रिकाओं बाल सखा और चमचम के अलावा भी सरस्वती और आर्यमित्र पढ़ने की कोशिश करता था, घर में पुस्तकें भी थीं, सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ में नहीं आते थे पर पढ़ने में मजा आता था। स्कूल से छुट्टी मिलने पर मैं सीधा लाइब्रेरी जाता था और वहीं किताबें निकलवाकर पढ़ता रहता था। एक बार फिर से देख लीजिए, आपका क्वेश्चन था, पुस्तकों के संदर्भ में लेखक की मना स्थिति का वर्णन कीजिए। तो आपका आंसर होगा, लेखक ने पुस्तकों के प्रति अपनी लगन और चाह का वर्णन किया है और बताया है कि पुस्तकों से ही मनुष्य की ज्ञान पिपासा शांत होती है। वे कहते हैं कि बचपन से ही मुझे पत्रिकाएं पढ़ने का शौक था, खाना खाते समय भी मैं पत्रिकाएं पढ़ता था, मैं अपनी दोनों पत्रिकाओं बाल सखा और चमचम के अलावा भी सरस्वती और आर्यमित्र पढ़ने की कोशिश करता था, घर में पुस्तकें भी थीं, सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ में नहीं आते थे पर पढ़ने में मजा आता था। स्कूल से छुट्टी मिलने पर मैं सीधा लाइब्रेरी जाता था और वहीं किताबें निकलवाकर पढ़ता रहता था। तो ये था आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर। तो आज बस इतना ही, आज आपका होमवर्क है दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर लिखना और याद करना। कॉपी में इसको आप लिखेंगे और याद भी करेंगे। तो आज बस इतना ही, आगे कल। थैंक यू।